कांग्रेसी भी इन चंद पूंजीपतियों के लोन माफ करती थी, कर्जे माफ करती थी, बीजेपी भी करती है। कांग्रेस भी देश बेचती थी, बीजेपी भी देश बेच रही है। कांग्रेस भी एस सी एस टी के खिलाफ थी और ये भी एस सी एस टी के खिलाफ है। तो ये कह रहे हैं इनको हटाओ, संविधान खत्म करो, ये तो बेकार है। ये जो हमारे गुलाम थे, जो हमारे सामने जिनकी औकात नहीं थी सड़क पे आने की, जिनकी औकात नहीं थी कपड़े पहनने की, जिनको हम झूठन खिलाते थे और जिनको कि हम प्रतिबंध लगाते थे, पानी नहीं लेने देते थे, आज जो हमारी बराबर खड़े हैं, आज हमें उनको पानी पिलाना पड़ रहा है ऑफिसों में। कांग्रेस को भी नया संविधान चाहिए, क्योंकि इस देश के जो बाबा साहब ने जो इस देश में संविधान में जो लिखा है, सबको बराबरी, इसमें मजदूर, गरीब, दलित सब होना चाहिए, तो कांग्रेसी आरएसएस वाले उन्होंने भी इसको खूब तोड़ा, इसको बर्बाद किया और अब बीजेपी को आगे करके उसको पूरा ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि इसमें एक बात समझ लीजिए, इसमें बहुत सारे अनुच्छेद ऐसे हैं, अनुच्छेद 39 इनको समझ में आना चाहिए। 39 में लिखा है बाबा साहब ने, इस देश के जितने भी सरकारी संसाधन हैं, जंगल है, जल है, ज़मीन है, वो तमाम संसाधन तमाम नागरिकों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, किसी एक आदमी पर जमा ना हो। इसीलिए तो ये देना चाहते हैं एक आदमी को। कांग्रेस की सरकारों में भी टाटा बिल्डर बढ़ते थे, अंबानी बढ़ता था और इनकी सरकारों में भी यही बढ़ते थे। कांग्रेसी भी इन चंद पूंजीपतियों के लोन माफ करती थी, कर्जे माफ करती थी, बीजेपी भी करती है। कांग्रेस भी देश बेचती थी, बीजेपी भी देश बेच रही है। कांग्रेस भी एस सी एस टी के खिलाफ थी और ये भी एस सी एस टी के खिलाफ है। हमें एक आध प्लॉट दे दिया, हमारे लोग कह रहे हैं एक आध प्लॉट दे दिया कांग्रेस ने जी। एक बड़ा बुद्धिजीवी कह रहा है कांग्रेस हमें देती थी, कांग्रेस ने हमें कुछ नहीं दिया, कांग्रेस ने तोड़ा है, तोड़ा है। और बाबा साहब तो लिख गए थे हमारा रिजर्वेशन 1950 में, कांग्रेस ने हमारी आबादी के हिसाब से हमारा रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया, प्रोपोर्शनेट क्यों नहीं दिया, उसने हमें सिर्फ 22.5% क्यों दिया। हमारा प्रतिशत तो 35% है, 30 से लेके 35% है इस देश में एस सी एस टी, तो हमें उस हिसाब से क्यों नहीं दिया। कांग्रेस ने हमारा सबसे बड़ा नुकसान किया है, कांग्रेस ने रिजर्वेशन खत्म किया, कांग्रेस ने पक्की नौकरियां खत्म करके ठेके पे लाए, कांग्रेस ने हमारा एनुअल बजट खत्म किया, कांग्रेस ने हमारी तमाम चीज़ें नुकसान किया। और पहले मिर्चपुर कांड वगैरह जो हुए थे वो तो कांग्रेस की उसमें हुए थे ना, सरकारों में, राज्य सरकार भी केंद्र सरकार भी इन्हीं की थी, तब भी हम पिट रहे थे भाई, तब भी हमारे घर जल रहे थे, तब भी हमारे लोगों पर एट्रोसिटी होती थी। तो कांग्रेस की इतने हिमायती क्यों बन रहे हो भाई आप, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये कांग्रेस वाले जो दलितों का चोला ओढ़ करके, अरे सामने आ जाओ भाई, चमचो कांग्रेसी, चमचो कांग्रेस का झंडा लेके खड़े हो जाओ, और इस बार हम विभीषणों से भी लड़ेंगे और इन मनुवादियों से तो लड़ेंगे, दोनों मनुवादियों से लड़ेंगे। संविधान बदलने की बात क्यों हो गया आखिर, पहले बीजेपी के सांसद भी कहते रहे, तमाम साधु संत भी कहते रहे हैं। देखिए ये इस देश में जो मनुवादी व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, जो जातिगत आधार पर, मानव द्वारा मानव के शोषण पर आधारित है, और बाबा साहब क्या लिख गए उसमें, लिख करके चले गए न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, चार ऐसे स्लोगन देंगे कि सब नागरिकों को सब बराबर बैठेंगे। और दूसरा, पढ़ लिख करके एक दलित अब एक ब्राह्मण जो जाति से ब्राह्मण है उसके ऊपर बैठेगा, वो चपड़ासी रह जाएगा, वो आईएएस बन जाएगा एक दलित, वो मंत्री बन जाएगा, संतरी बन जाएगा। तो ये कह रहे हैं इनको हटाओ, संविधान खत्म करो, ये तो बेकार है। ये जो हमारे गुलाम थे, जो हमारे सामने जिनकी औकात नहीं थी सड़क पर आने की, जिनकी औकात नहीं थी कपड़े पहनने की, जिनको हम झूठन खिलाते थे और जिनको कि हम प्रतिबंध लगाते थे, पानी नहीं लेने देते थे, आज जो हमारी बराबर खड़े हैं, आज हमें उनको पानी पिलाना पड़ रहा है ऑफिसों में। अधिकारी आईएएस अफसर, एक चपड़ासी, एक मनुवादी आकर के वो गिलास में, वो कह रहा है साहब पानी पी लो, वो उसका लंच लगा रहा है, वो उसको फाइलें दे रहा है, तो उनको तकलीफ ना होगी भाई, मनुवाद को। इसलिए इस संविधान ये खतरे में है। कथावाचक है देवकी नंदन ठाकुर, वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बना दो, जल्दी घोषित कर दो, तभी संविधान बचेगा। इसीलिए, क्योंकि बहन जी आ रही है ना 2024 में, इनको तो तकलीफ हो रही है कि बहन जी क्यों नहीं गई राहुल गांधी के साथ। राष्ट्र में संविधान कैसे बचेगा? नहीं नहीं, संविधान तो अपना लाएंगे ना, हमारा नहीं बचेगा, वो अपना संविधान मनुवाद पे आधारित जो संविधान है वो उसके लिए कह रहे हैं उसको लाओ, और हमारे लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इनको डर ये है जल्दी हिंदू राष्ट्र बना दो, नहीं तो बहन जी आ रही है, मायावती आ रही है 2024 में प्रधानमंत्री बनने। अब क्योंकि सारे बहुजन एक तरफा भाग रहे हैं, एक तरफा जा रहे हैं, अब बहन जी के साथ जा रहे हैं। ये एस सी एस टी मोर्चे बना करके इन्होंने जो गुमराह कर रखा था, अब उस गुमराह में नौजवान आने वाला नहीं है। अब लोगों को पता चल गया कि हमारी एक ही पार्टी है, बी एस पी, और बहन जी हमारी एक मात्र नेता है। बहुजनों का नारा देते, कौन से बहुजनों की बात कर रहे हैं? सारे बहुजन तो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, देखिए हरियाणा कहाँ बना रहे हैं, अब नहीं बना रहे। अब वो पिटाई नहीं, कोई नहीं गया, कोई नहीं गया, कोई नहीं गया। वो जो चंद हिंदू थे ना, बड़ी पिटाई हुई उनकी,
अब वो डर के मारे वो पिटाई अब नहीं आने वाले हैं, और जो हमारे लोग थे वो गए नहीं उसमें, उन्होंने कहा हम तो बहुजन है भैया, बहन जी के दिशा निर्देश पे चलेंगे, जो बहन जी कहेगी हम वो करेंगे। कह रहे पुराना हो गया ना संविधान, इसलिए बदल देना चाहिए। अभी तो देखिए जापान का मैं कल ही कह रहा था 1100 ईस्वी का है, हजारों वर्ष हो गए और दुनिया की महाशक्ति है जापान, हजारों वर्ष पुराने संविधान से उसी से चल रहे, एक शब्द भी नहीं बदला। और बहुत सारे देशों के, बहुत अमेरिका और दूसरे देशों के पुराने पुराने संविधान है, अभी तो तुमने लागू ही नहीं करा, कांग्रेस ने 100 अमेंडमेंट कर दिए बिना इस संविधान को तोड़ दिया, 100 अमेंडमेंट। भाई बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं बोलता, आखिर क्या वजह है? बहन जी ने सबसे ज्यादा बीजेपी के खिलाफ बोला है, आप भी कांग्रेस को कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस हमारी, देखिए कांग्रेस पहली लड़ाई है, कांग्रेस को खत्म करना हमारी पहली जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारी लड़ाई इस देश में जो हमारी पहली लड़ाई कांग्रेस के विरुद्ध है, बाबा साहब की लड़ाई जो थी वो कांग्रेस के विरुद्ध थी, गोलमेज सम्मेलन से लेकर के और पूना पैक्ट तक हमारा सब कुछ लूटा किसने, इस कांग्रेस ने। और अब जो बाबा साहब, जो माननीय काशीराम जी ने बहुजन मूवमेंट खड़ा किया वो भी कांग्रेस के विरुद्ध था, और हमारी लड़ाई पहली कांग्रेस के विरुद्ध है, क्योंकि कांग्रेस असली इस देश के अंदर खतरा है, असली आरएसएस की पार्टी है, और ये जो जड़ पे तो कोई नहीं देख रहा है, फुलक बीजेपी को निकली, बीजेपी के अंदर अंदर हम दोनों से लड़ रहे हैं, हम बीजेपी के साथ जा रहे हैं क्या? जब बहन जी ने कह दिया इन दोनों पार्टियों से हमारी समान दूरी रहेगी, हमारा हमारी लड़ाई इन दोनों के विरुद्ध है, तो बार बार बहन जी को बीजेपी की बी टीम बोलने का क्या मतलब है, ये समझ में आना चाहिए। वो एजेंट टाइप के, वो इनके चमचे जो पैसे ले लेकर के आरोप लगता है ना, आप बीजेपी के कहने से आरोप, देखिए ये राजनीति है, राजनीति में तो ऐसे आरोप लगते रहते हैं, हमें इसकी परवाह नहीं है। बहन जी ने जो स्टैंड लिया, इस देश के बहुजन जो ईमानदार है, बाबा साहब को मानते हैं, संविधान बचाना चाहते हैं, सब बहन जी के साथ। सोशल मीडिया पर कौन लोग हैं जो कह रहे हैं ये दलित की बेटी नहीं, दौलत पैसा मिलता है, पैसा मिलता है, वो पैसा गोदी मीडिया और पैसा बट रहा है आजकल, जो कुछ तथाकथित जो दलित वो बुद्धिजीवियों के नाम पर है, खूब पैसा मिल रहा है, कांग्रेस दे रही है, कांग्रेस के लिए भौंको, कांग्रेस के बोलो बहन जी को, जाओ राहुल गांधी के पीछे लग जाओ, और वो कांग्रेस कह रही है हमने तो वही नहीं भेजा, बहन जी को निमंत्रण ही नहीं भेजा, वो कह रहे हैं जी वो उनके प्रवक्ता अपने वो लालू जी कह रहे हैं हमने तो बुलाया नहीं, हमें मतलब नहीं है मायावती से, मतलब अपमान करके कौन, किसने किया है फिर बहन जी को? किसी ने नहीं करा, वो सिर्फ खबरें कहां से, वो अरे वो सिर्फ प्रोपेगेंडा था बहन जी को डेमोरलाइज करने का, क्योंकि हमारे लोग वही चैनल देखते हैं, वो गोदी मीडिया का आज तक ने पहले तो नहीं दिखाया, दूसरी पार्टी और तो नहीं दिखा रही, 40 सीटें मांगी, तुम्हें सपने आ रहे हैं? जब तुम एक और तो कहते हो बहन जी किससे मिलती नहीं, किससे बात नहीं करती, तो इनको कौन से सूत्र ने बता दिया? बहन जी ने, जब हमारी बहन जी अकेले फैसला लेती है, इनको कौन से सूत्र ने बता दिया? सिर्फ और सिर्फ बहन जी को बदनाम करने की साजिश है, ये गोदी मीडिया से लेकर के और ये सो कॉल्ड दलित जो अति बुद्धिजीवी जो कांग्रेस के पाले हुए हैं, ये बहन जी को बदनाम कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा। मुझे तो बहुत सारे कुकीज़ को शेल्टर दी गई, बचाया गया, CRPF को, फौज को बुलाकर उनके हवाले करके उनको सेफ्टी सिक्योरिटी की गई। इसी तरह जो कुकीज़ के इलाकों से नज़दीक जो मुस्लिम आबादी है, खासतौर से एक गांव में हम गए थे, क्वाक्टा उस जगह का नाम है, वो मुस्लिम पॉपुलेटेड गांव है, 30,000 पॉपुलेशन है, वो बिल्कुल बफर जोन है, यानी उस गांव के उस तरफ कुकीज रहते हैं, उस गांव के इस तरफ, तो उस गांव ने भी उस कन्फ्रंटेशन को कम करने में बहुत मदद की, दोनों तरफ से लोगों को रोकने में, और जो जो मैतीज वहाँ फंस गए थे या मैतीज पर हमले हो रहे थे उनको भी बचाने की काफ़ी कोशिश की। एक बात जो छूट गई है कि वहाँ पर आप किसी की मदद करना चाहें या रिलीफ करना चाहें तो भी वहाँ वो बहुत मुश्किल काम है इस वक्त। उसकी वजह क्या है कि अगर मैतीज को ये मालूम हो कि आप कुकीज को कुछ मदद कर रहे हैं तो मैतीज जो है वो आपके खिलाफ होते हैं, बल्कि कई जगह इस संदेह में जो लोग अपना बिजनेस का सामान लाना ले जाना शुरू कर रहे थे उनको इस डर से कि वो शायद ये मैतीज को खाने पीने की चीज़ें पहुंचा रहे होंगे या रिलीफ पहुंचा रहे होंगे तो उनको भी कहीं कहीं अटैक किया गया। और इसी तरह से अगर कुकीज़ को ये मालूम हो जाए कि ये मैतीज की मदद की जा रही है तो वो भी नाराज़ होते हैं। तो ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन है कि आप आमतौर पे ऐसा कहीं नहीं होता कि जहाँ रिलीफ के लिए लोग जाते हैं, जो भी पीड़ित होता है सबकी मदद खुल के कर सकते हैं, मगर वहाँ खुल के मदद करना भी जो है संभव नहीं है, उसके लिए कुछ और तरीके नहीं। हमको वो उन्होंने कम से कम 10 जगह हमारी चेकिंग हुई है, अशोर किया कि हाँ ये मुस्लिम्स हैं और मैतीज नहीं हैं, ये बाहर के कोई लोग नहीं हैं, ये अशोर होने के बाद उन्होंने हमको जाने दिया। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट था
कि हम दोनों इलाकों में जा सकते थे, मगर इस प्रिकॉशन के साथ कि हम मैथीज को ये नहीं बताते थे कि हम कुकी इलाके में जाके आए और कुकीज को ये बताना ज़रा अच्छा नहीं लगता था कि हम वहाँ के रिलीफ कैंप में भी जाके आए, तो इतनी डिवीजन इतना ज़्यादा वहाँ हो गया है तो ये, लेकिन दोनों मुस्लिम्स के लिए अभी दोनों इलाकों में जाना वो आसान है क्योंकि दोनों की मदद की है उन्होंने। जी चलिए, देखिए हम तो आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से ये समझते हैं कि हमारा ये देश जो है ये एक डाइवर्सिटी वाला मुल्क है, प्लूरल सोसाइटी है, यहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं, हर आस्था के लोग रहते हैं और आपस में मिलते जुलते मिलजुल कर रहते आए हैं। हमने सब ने मिलजुल कर इस देश को आज़ाद कराया है, लेकिन पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि नफरत का माहौल और ख़ास तौर से मुस्लिम समुदाय के प्रति खुलेआम हेट स्पीचेस और ये, और हम सब जानते हैं कि ये राजनीतिक कारणों से हो रहा है और राजनीतिक तौर पर फ़ायदा उठाने के लिए एक पोलराइजेशन समाज में पैदा करके और फ़ायदा उठाने के लिए किया जा रहा है। तो इसका तरीका वही है कि दोनों तरफ के लोग इन इस तरह के लोग जो नफरत फैला रहे हैं उनके चाल और उनके जाल को समझ लें, आपस में हिंदू मुस्लिम दूसरे धर्मों के लोग आपस में मिलें जुलें, इंटरेक्शन हो, और हम तो ये प्रयास भी कर रहे हैं कि जो अलग अलग धर्मों के धर्म गुरु हैं, धार्मिक नेता हैं, उनके साथ हम एक साथ बैठकर बात करते हैं ताकि एक जॉइंट एफर्ट किए जाएं कि समाज में इस नफरत के जहर को कैसे रोका जाए। तो बहरहाल ये कोई काम छोटा नहीं है क्योंकि इसको करने वाले लोग पॉलिटिकल मोटिव्स के साथ कर रहे हैं और उसमें मीडिया का एक बड़ा हिस्सा उनका साथ दे रहा है। आप जैसे लोगों को मैं बधाई देता हूँ कि आप कम से कम उधर नहीं हैं, तो वो भी एक बड़ी चीज़ है। फिर उसके लिए बाकायदा पैसा भी लगाया जा रहा है और हमारे नौजवान जो अनएम्प्लॉयड नौजवान हैं जिनको रोज़गार मिलना चाहिए उनको नफरत के रास्ते पर डाला जा रहा है, तो उसी की वजह से हम देख रहे हैं जगह जगह ऐसी घटनाएँ हो रही हैं, अब स्कूलों में भी होने लगी हैं, तो ये हम सबके लिए चिंता की बात है और हमारा देश इन सब चीज़ों से कमज़ोर होता है। चाहे आप नफरत किसी एक समाज के खिलाफ फैलाएं लेकिन उसका नुकसान पूरे देश को होता है, हमारी तरक्की रुकती है, हमारे इन्वेस्टर जो बाहर से आने वाले हैं वो डरते हैं, अगर कहीं हिंसा होती है तो बाहर की कंपनियां यहाँ आकर इन्वेस्ट करने से डरती हैं। अभी पिछले दिनों गुड़गांव और नू में जिस तरह से चीज़ें हुई तो उससे भी बाहर की कंपनियाँ चौकस हो गई कि क्या वो उनका जो बिजनेस है वो उससे प्रभावित होता है। तो ये इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये कि जब तक जनता का दबाव नहीं होगा तब तक राजनीतिक पार्टियां जो है वो सही रास्ते पर नहीं आएगी। राजनीतिक पार्टियों को सही रुख पर लाने के लिए जनता ही का दबाव काम आएगा और जनता ही को जागना पड़ेगा। मेरा सवाल मुजफ्फरनगर की